अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। जी सर क्लियर। ओके चल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। आई कीप इट वेरी सिंपल, इंशाल्लाह इजी होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी समझने में आप सबको इंशाल्लाह। बिटकॉइन यूएसडीटी का डेली चार्ट है। ओके सो फिबोनाची सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझना है कि फिबोनाची सीक्वेंस है क्या। फिबोनाची सीक्वेंस अगर आप जाएंगे गूगल पे ना, गूगल पे अगर आप सिंपली सर्च भी करेंगे, मैं इसको यहाँ से सिंपल गूगल पे अगर आप इसको सर्च करेंगे ना, तो ये नेचर में है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग में यूज हो रहा है फिबोनाची सीक्वेंस। एज यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है, ये ओवरऑल नेचर में है, तो इट वर्क्स वेरी वेल इन ट्रेडिंग आल्सो। फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स के जितने भी डिजिटल चार्ट्स हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करती है फिबोनाची, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, किस तरह से वर्क करती है, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी टूल सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह सब कुछ समझा दूंगा। उससे पहले मैं हाइपोथेटिकली थोड़ा समझाऊंगा, लेवल टू लेवल चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ी, एक लेवल आया, रुकी, फिर लेवल को ब्रेक किया, लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्राइस कमोडिटी की, एसेट की प्राइस नीचे आती है तो वो भी लेवल टू लेवल ही आती है, ठीक है। यहाँ पे आई, रुकी, यहाँ लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो जहन में नहीं घूम रहा। जी सर क्लियर है। ओके परफेक्ट, चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम ड्रॉ करेंगे हाई टू लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सबको समझाया हुआ है, ये है स्विंग लो टू स्विंग हाई, एक ट्रेंड से, ठीक है। इजी वर्ड्स में आई कीप इट वेरी सिंपल समझाऊंगा, आपने लेजर बीम फोकस के साथ देखना और सुनना है। ओके सो स्विंग लो टू स्विंग हाई। अब स्विंग लो टू स्विंग हाई हम इसको क्यों ड्रॉ करते हैं, वो हम डाउन साइड टारगेट्स के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से कि डाउन साइड कितना जा सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे जाके, ठीक है। अगर अगर हम इसी को ऑपोजिट कर देते हैं यहां पे, ठीक है, इसी को अगर हम बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं, इन अ सेंस के स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं फिबोनाची टूल को, तो वो हमें ऊपर के टारगेट बता रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये समझाऊंगा कि किस तरह से आपने जो है अप्लाई करना है दिस एंड दैट सारी चीजें। चलो सबसे पहले आपने सेटिंग नोट कर लेनी है, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। आगे जाके हार्मोनिक्स में भी यही सेम सेटिंग यूज होगी, ठीक है। आज हम सिर्फ फिबोनाची सीक्वेंस पे बात करेंगे इन डिटेल, कि हमने किस तरह से इस पे जो है बाइंग और सेलिंग करनी है, क्या इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, क्या
क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम इम्पोर्टेंट हैं, हमने देखनी है, देखनी चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, तो इसकी सेटिंग आप लोग नोट कर लो, मैं सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। कलर आप पे फुट डिपेंड करता है इसकी, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जब कंफर्म हो जाए लेट मी नो। ओके सर, कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, नो नो वरीज, इंशाल्लाह वो कोई इशू नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं, बट या अच्छा, तो ये हो गया हमारे जो लेवल्स हैं इम्पोर्टेंट वो। अब मैं फिबोनाची टूल को बिल्कुल इजी वे में सीक्वेंस में ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अच्छा, हाई टू लो, हाई टू लो मैंने ड्रॉ किया है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है। स्विंग हाई टू स्विंग लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है आपका। स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये हो गया आपका फिबोनाची लेवल टू, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से वर्क करता है ये मैं समझाता हूँ। अब इसमें दो टाइप्स हैं, ठीक है। आप लोग परसेंटेज के साथ भी यूज कर सकते हो, आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली परसेंटेज वाले यूज नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ, लाइक परसेंटेज इन द सेंस कि 70%, 78%, 86% ऊपर जाना, प्राइस का नीचे जाना, उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट जोन्स या लेवल, यू कैन कॉल इट, आई विल मार्क देम, ठीक है। अच्छा, एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये है प्राइसेस के ऊपर जाने के लिए, लाइक अगर आप किसी चीज़ को जो है बाय कर लेते हो यहाँ पे, तो आपको जो है ये ऊपर के टारगेट्स दे रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट में। अच्छा, तो आपके जो है टारगेट्स क्या होंगे और इम्पोर्टेंट जोन्स कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। आई विल मेक इट अ लिटल इन सीक्वेंस, ओके, तो इजी कर देता हूँ सबके लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं जोन मार्क करूंगा यहाँ पे, अभी फर्स्ट ये जोन, इसको हम 50% जोन भी कहते हैं, ठीक है। और इजी कर देता हूं आपके लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूट्रल जोन, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, इसका नाम है न्यूट्रल जोन, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया न्यूट्रल जोन। ये वो जोन है कि जहां से ट्रेंड जो है कंफर्मेशन लेता है कि अभी जो है ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस तरह से ट्रेंड ने अपना रुख मोड़ना है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, और भी इजी कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, वेट, ओके। सो न्यूट्रल जोन वो जोन है, जैसे कि अब लेट सपोज ये 100% जोन है, यहां से प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ठीक है। प्राइसेस एक स्पेसिफिक जोन तक पहुंची और वहां से लेट सपोज वहां से बाउंस बैक कर लिया ऊपर की तरफ, ओके। लेट सपोज वहां से बाउंस बैक कर लिया ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये होगा कि प्राइसेस ने जो है यहां से ट्रेंड रिवर्सल कर लिया है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। अगर यही प्राइसेस यहां से नीचे आती हैं और 50% जोन, जो कि न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, न्यूट्रल जोन है, वहां पे अगर प्राइसेस टूटती हैं नीचे की तरफ, सिंपली होगा क्या, प्राइसेस, इसको हम कहेंगे ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, प्राइसेस नीचे जाएंगी। जिन्होंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, ट्रेंड्स का लेक्चर सारे देखे हुए हैं उनको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, काइंडली कंफर्म कर दें यहां तक क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं आगे फिर। अगर सर, इसके अंदर एक क्वेश्चन था, अगर मैं पूरा ना माने तो, श्योर श्योर,
सर इसमें जो जो सबलेंसी की हम उस पे जब अप्लाई करते हैं तो जहां से स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ आता है जो लास्ट स्टेज बची है, तो उनके दरमियान में हमें उसको अप्लाई करके देखना होता है हाँ किसकी देखिए, साइड से भी क्या। 50% जोन जो है ना, न्यूट्रल जोन की आप बात कर रहे हो राइट? जी बिल्कुल हाँ, मैं ये जाके आपको लाइव चार्ट पे समझाऊंगा, इसके बाद फिर इंशाल्लाह ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? वरी नहीं करना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 50% जोन जो है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। मैं समझाता हूँ आपको, ये वो ट्रेंड है जो कि आपने ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, स्विंग हाई टू स्विंग लो हम तभी ड्रॉ करते हैं जब प्राइसेस ने ऊपर की तरफ जाना होता है, जब आप एक बुल एक लॉन्ग पोजीशन टूल लेके लेके लॉन्ग आप ट्रेड लेते हो यहाँ से, बुलिश ट्रेड, ठीक है? अच्छा मूविंग ऑन, ओके सो नेक्स्ट चीज जो है वो है, नेक्स्ट जोन जो है वो है 0.618 का जोन, विच आई विल कॉल गोल्डन रेशो। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशो। अब इसको गोल्डन रेशो क्यों कहते हैं उसकी बात करते हैं, ये मैं थोड़ा सा इसका सेंटिमेंट समझा देता हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस में ये जो 0.618 का जोन है, या फिर 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का जोन है, ठीक है, या 61.8 का जोन है परसेंटेज के हिसाब से, तो ये जो जोन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको गोल्डन रेशो कहा जाता है। इस पे डिपेंड करता है कि अगर ये प्राइसेस ऊपर की तरफ इसकी टूट जाएं तो फिर वहां से ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही ट्रेंड नीचे की तरफ टूट जाए तो फिर वहां से ट्रेंड नीचे की तरफ जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? अच्छा अब बात करते हैं इसके टेक प्रॉफिट की, किस तरह से हम, लेट सपोज हमने स्विंग हाई टू स्विंग लो लिया हुआ है, सो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि हम 0.382 पे फर्स्ट टारगेट लगाते हैं, 0.5 पे लगाते हैं और 0.618 पे लगाते हैं। आगे जाके फिबोनाची लेवल्स में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन आई वांट यू ऑल टू फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन इट, आफ्टर दैट आई टेल यू ऑल, ठीक है, कि क्या करना है। अच्छा गोल्डन रेशियो जो है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी, आगे जाके और भी समझ आ जाएगी आप सबको, ठीक है? इस पे भी डिपेंड करता है ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एंड ट्रेंड रिवर्सल, बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद एक जोन आता है जिसको हम, अगर प्राइसेस नीचे हो तो डीसीए जोन भी कहते हैं, एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी कहते हैं हम। फिब लेवल की, अगर फिब लेवल के हिसाब से देखा जाए तो फिब लेवल्स में सबसे पोटेंशियल रिवर्सल जोन सबसे अच्छा, जिसको हम पीआरजी भी कहेंगे, ठीक है, विल कॉल इट पीआरजी, लेट्स कीप इट, ओके ओके सो ये एक पीआरजी है। लेट सपोज प्राइसेस जो हैं वो यहां से जा रही है ऊपर की तरफ, आपकी फर्स्ट ट्रेड हिट हुई, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, गोल्डन रेशो पे आके आपने अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर दी, खत्म बात, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, गोल्डन रेशो के बाद आपने देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ टूटी है, अब मुझे दूसरी ट्रेड एक स्कैल्प लेनी चाहिए, तो उस स्कैल्प का जो जो प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट है, वो आपने दो लेवल्स पे करना होता है, 0.786 0.886, ये दो रीजन हैं जहां पे आपने टेक प्रॉफिट करना होता है, ठीक है? आई होप यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, काइंडली कंफर्म कर दें, कोई इशू कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, स्विंग हाई टू स्विंग लो के ट्रेंड का, न्यूट्रल जोन, गोल्डन रेशो एंड पीआरजी, काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर। एनी क्वेश्चंस? ओके सो अब नेक्स्ट जो ट्रेंड है उसको हम इसी इसी की तरह के ट्रेंड को जो है हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो होगा स्विंग लो टू स्विंग हाई, नीचे की तरफ हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट्स में, क्या क्या चांसेस होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है? अच्छा मूविंग ऑन, अब
हम ड्रॉ करेंगे स्विंग लो टू स्विंग हाई। अब ये वो ट्रेंड है जो हमें बताता है कि प्राइसेस नीचे कितना आ सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट सपोज एक छोटा सा ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ये एक स्विंग लो टू स्विंग हाई का ट्रेंड बन गया, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए चीज। ठीक है, 1% से शुरू हुआ 100% तक, 1% से शुरू हुआ 100% तक, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक ही बात है, लेकिन ट्रेंड मैटर करता है कि स्विंग हाई या स्विंग लो से आपने किस तरह से कहां से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, खैर, मूविंग ऑन, बात करते हैं इस ट्रेंड की। ठीक है, तो अब यहां पे मैं कुछ वही सेम चीजें हैं। ठीक है, अब लेट सपोज ट्रेंड जो है यहाँ पे है, प्राइसेस करंटली यहाँ पे घूम रही हैं इस तरह से, प्राइसेस ने ऊपर की तरफ रैली ली। ठीक है, और प्राइसेस उसके बाद यहाँ पे घूम रही हैं। आपने एक रेजिस्टेंस देखी और इसको स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ कर लिया, मतलब एक हाई बन चुका है ऑलरेडी, एक टॉप बन चुका है, प्राइसेस नीचे की तरफ जाना शुरू ही हुई है, आपने स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ आपके इम्पोर्टेंट जोन चाहिए आपको। ठीक है, मैं पर्सनली शॉर्ट करता नहीं, लेकिन शॉर्ट में भी यही चीजें अप्लाई होती हैं। 0.382 पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे 0.382, 0.5, 0.618, तीन टारगेट्स होते हैं, तीन जो है टेक प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, दूसरी बात ये, अब अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि प्राइसेस कहाँ कहाँ तक आ सकती हैं, स्ट्रांग बाय कहाँ पे है और स्ट्रांगली ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से लेगा, तो उसकी बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जोन जो है वो है ऑब्वियसली न्यूट्रल, ठीक है, एक न्यूट्रल जोन। अब ये वो जोन है जहां से प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकती हैं, प्राइसेस के चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएं। ठीक है, ट्रेडिशनल चार्ट, चार्ट्स पर, ट्रेडिशनल मार्केट्स में। ओके, सो मूविंग ऑन, अब लेट सपोज ऐसा हो जाता है प्राइसेस नीचे आती हैं इस तरह से, और 0.5 के जोन से बाउंस बैक ले जाती हैं। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस जो सपोर्ट थी या फिर प्रीवियस जो एक स्ट्रांग डिमांड था वहां से प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई हैं, और फिप लेवल के हिसाब से भी एक न्यूट्रल जोन है। न्यूट्रल तो आपको पता है, एज द नेम इंडिकेट्स, कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक जाए। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम न्यूट्रल जोन, और अगर यही ट्रेंड नीचे की तरफ जाता है और टूट जाता है तो इसको हम कहेंगे ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन टू द डाउन साइड आफ्टर ब्रेकिंग 0.5 रीजन विच इज न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल रीजन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी ये बात, काइंडली कंफर्म कर दे क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फिर। ओके, परफेक्ट, चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जोन हमारा आता है, फिर से वही चीज हम रिपीट करेंगे, ये जो है हमारा गोल्डन रेशो, जैसे यहाँ पे। ओके, सो ये गोल्डन रेशो, अब ये वो जोन है जहां से प्राइसेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। न्यूट्रल जोन तो वो तो चॉपी है, वो तो ऐसा जोन है कि वो डिपेंड करता है, लेकिन ये ऐसा जोन है, गोल्डन रेशो एक ऐसी जगह है जहां पे यूजुअली लोग बाइंग ऑर्डर लगाते भी हैं, लगा के सो जाते हैं लोग, उनको पता है कि अगर प्राइस यहां तक आती है तो यहां से रिवर्सल हो ही जाएगा। ठीक है, अब डीसीए जोन क्या है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्या है, और स्कैल्प्स या फिर ऐसी ट्रेड जो रिटेल इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो कहाँ पे ओपन करते हैं वो ट्रेड्स। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हटा देते हैं, ड्राइंग्स को थोड़ा सा। ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, ये जो जगह है 0.886 की और 0.786 की। अब
फर्स्ट लेट सपोज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, प्राइसेस नीचे की तरफ आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, मैंने 0.618 पे बाइंग कर ली, ठीक है लेट सपोज, तो मेरा नेक्स्ट जोन क्या होगा उसके बाद 786, 886। अगर मैं कोई ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ, ट्रेड ऑलरेडी आरएसआई जो है ओवरसोल्ड है, दिस दैट प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, तो मेरा बेस्ट जोन क्या है बाइंग करने का, 70% मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अपनी ट्रेड मनी की बात कर रहा हूँ, कैपिटल की बात नहीं कर रहा। 70% मैं 0.786 पे बाय करूंगा और 30% मैं रखूंगा नीचे डीसी के लिए, अगर 886 तक प्राइस आती है तो फिर मैं बाय करके निकल जाऊंगा। ठीक है, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिब लेवल्स दोबारा रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, प्रैक्टिस करते हुए इसकी हेल्प आपने लेनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है, और ये हार्मोनिक्स में आगे जाके आप सबको बहुत हेल्प करने वाले हैं फिब लेवल्स, ठीक है, सो देर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सो मूविंग ऑन, तो ये हो गया, इस हिसाब से ये हो गया हमारा पी आर जी, पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो है हमारा, ये हो गया यहाँ से। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़, और ये हाइपोथेटिकली मैंने समझाई है, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस को बहुत इजी वर्ड्स में काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे जो है लाइव चार्ट पे चलते हैं। क्लियर ठीक है, परफेक्ट, चलें मूविंग ऑन, लाइव चार्ट पे हम जाएंगे और इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको ताकि चीज जो है क्लियर हो जाए। ओके, सो अब मैं इस ट्रेंड की बात कर लेता हूँ, लेट सपोज प्रीवियसली जो एक बियर मार्केट आई थी छोटी सी, इसका स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो जो है ये जोन है, और स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग हाई ये जोन है। अब लेट सपोज मुझे नीचे के टारगेट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा जोन मिले कि जहां से प्राइसेस ऊपर बाउंस भी करें और मैं बाइंग कहाँ पे कर सकता हूँ, दिस इन दैट, तो लेट सपोज आप इस ट्रेंड को छोड़ दें, इस ट्रेंड को आप इग्नोर कर दें, मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है, इस ट्रेंड को लेट सपोज आपने छोड़ दिया, अब ट्रेंड यहां तक है, ठीक है, अज्यूम कर लो, अजम्पशन है यहां तक ट्रेंड है, और आपने क्या करना है, फिबोनाची सीक्वेंस टूल लेना है, यहां से लो टू हाई ड्रॉ करना है, इसको लो टू हाई आपने ड्रॉ किया, ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आप क्या चाहते हो मार्केट से, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सिंपली आप जो है आप कहोगे फर्स्ट जो मेरा जोन है वो न्यूट्रल है, अगर उसको ब्रेक कर देता है आई विल डेफिनेटली बाय एट 0.618 जोन, अगर उसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, इफ आई एम अ होल्डर सो आई विल बाय एट 786, अगेन आफ्टर दैट इफ प्राइस गोज मोर डाउन आई विल बाय 886 रीजन, ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको प्रेडिक्ट करके बाय करते हो। अच्छा, अब आते हैं दोबारा, मैं रिवील करके चार्ट को आप दिखाता हूँ, लो टू हाई, ठीक है, प्राइसेस कहाँ से बाउंस बैक हुई है, ऊपर की तरफ गई, रिवर्सल, बाउंस बैक कहां से हुआ है, सीधा 0.786 के रीजन से, ऑलमोस्ट 0.786 के रीजन से, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, दिस इज व्हाट द वे मार्केट वर्क्स। ओके, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीज हम अब डिस्कस करेंगे, लेट सपोज अब यहाँ पे आपने बाइंग तो कर ली है, ठीक है, यहाँ पे बाय कर लिया आपने, तो आपका स्विंग हाई कौन सा है, आपका स्विंग हाई जो है इन सिंपल वर्ड्स, स्विंग हाई आपका ये है, और स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो, अब यहां तक होपफुली ये तो समझ आ गई होगी कि स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक आपने प्राइसेस को ड्रॉ कर लिया फिबोनाची टूल्स को, ठीक है, हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ का स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो जो है हमारा ये रीजन है, यहाँ पे भी यहाँ तक भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो लोएस्ट जोन हो वो स्विंग लो होता है, जो लोएस्ट विक हो आपकी। अच्छा, अब टेक प्रॉफिट की बारी आई, तीन ट्रेडिशनल टारगेट्स हमारे क्या हैं, 0.382, 0.5, 0.618 रीजन, ठीक
ठीक है। और इसने क्या किया, अपने तमाम टारगेट्स बहुत इजीली स्मूथली हिट किए हैं, इन इजी वर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, और आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसको और। अच्छा, जो मैंने 886 की रीजन की बात की थी, अब उसकी बात करते हैं। लेट सपोज प्राइसेस जो हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। प्राइसेस जो हैं एक स्पेसिफिक जोन तक आती हैं, और आप कहते हो कि मैंने जो है यहाँ से बाय करना है, ये ऐसा जोन है कि यहाँ से बाउंस बैक होना है, ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, ये पीआरजी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दोबारा से ट्रेंड की दे रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हों आपके, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, स्विंग लो टू स्विंग हाई नीचे के टारगेट्स के लिए ना, तो लेट सपोज प्राइसेस नीचे आई तो कहाँ तक, देखें आपने लेट सपोज 70% बाइंग यहाँ पे कर ली, 70% बाइंग 786 पे, 70% बाइंग 886 पे, ठीक है, आपने कर ली। अब ऊपर की तरफ आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ सेम सेम सिनेरियो, स्विंग हाई टू स्विंग लो इसको आपने ड्रॉ करना है, आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ होंगे इस तरह से, और 0.382 को ये टच कर चुका है। अगर ये 4 आवर का चार्ट होता तो मैं यहाँ से प्रेफर करता इसको ड्रॉ करना, इसके टारगेट्स अभी तक तमाम हिट हो चुके होते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी, काइंडली कंफर्म कर दे क्लियर है। यहाँ तक ओके, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे इस हवाले से तो पूछ सकते हैं। पोजीशन जैसा कि हमने इसके ऊपर अभी स्विंग हाई टू स्विंग लो किया है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, सर जब ये इसको ब्रेक करता है तो इसमें वॉल्यूम का भी हिसाब होता है, वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया, इस वॉल्यूम के साथ ये पंप करेगा या नहीं। ऑब्वियसली वो मैटर करते हैं, लेकिन आपका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंस इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक। और जो मैंने आपको बताया है, दूसरी चीज मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट जोन बताए, ये मैटर करते हैं, लेकिन उसी सीक्वेंस में जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि हाँ उन जोन में रिवर्सल के वक्त या फिर रिवर्सल वाले जोन में ये जरूर मैटर करते हैं कि वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो वो 100% से ज्यादा भी ब्रेक हो सकती है प्राइसेस, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जरा सा मैं समझाता हूँ। अब लेट सपोज वॉल्यूम हाई था, यहाँ पे बुल रन था, प्राइसेस ने ऊपर जाना था, तो हाई टू लो मैं लूंगा फिर से स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ तक, और इसने बहुत ही खूबसूरती से इसने जो है अपने तमाम टारगेट्स यहाँ पे हिट किए हैं। टारगेट्स हिट करने के बाद वो ये 1.13 रीजन तक गया, मतलब कि अपना 100% तोड़ के ऊपर की तरफ गया। सो दिस इज दिस इज हाउ फिबोनाची वर्क्स, ठीक है। आप काइंडली अपना माइक फिक्स कर लें थोड़ा सा, माइशी है, खैर मूविंग ऑन। अच्छा, तो इस तरह से फिबोनाची हम ट्रेड करते हैं, इसको फिबोनाची को यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये सेशन आज रिकॉर्ड करने का इरादा भी यही था, मकसद यही था कि आप सबके लिए जो है फिबोनाची लेवल्स बहुत ईजी वे में समझा दिए जाएँ, और कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लोगों ने बहुत मुश्किल किया हुआ है, बहुत मुश्किल किया हुआ है इसको, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो वरी नहीं करना आप सबने, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसके बाद, कल के सेशन में हो गया या सेशन से अलावा भी हो गया, वो मैं लॉन्च कर दूंगा। इसकी मैं अलग से फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जहाँ पर ये अवेलेबल होगा ये लेक्चर दोबारा से देखने के लिए, एंड यू कैन वॉच इट अगेन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस। और फिबोनाची एक्सटेंशंस इसके बाद का लेक्चर, और लास्ट में जो है फिबोनाची से ट्रेड किस तरह से करना है इंडिपेंडेंटली, और फिबोनाची से टेक प्रॉफिट किस तरह से करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दिस एंड दैट, ठीक है। सो दिस इज द सेशन, लाइक ऑलवेज सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अस्सलाम।